नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं खुशबू कपूर और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में बढ़ते हुए सुसाइड केसेस के मामले में। अभी हाल ही में तनिषा शर्मा का केस सामने आया है और आज तनिषा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ है और ऐसे कई सारे इंसिडेंट हमने होते हुए देखे भी हैं। प्रत्युषा बनर्जी हो या फिर वैशाली ठक्कर, सुशांत सिंह राजपूत और अब तनिषा शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तो अभी ये खबर सामने आ रही है कि वो एक मर्डर था, सुसाइड नहीं था। जैसे कि एक शख्स ने बताया है जो कि हॉस्पिटल में उस टाइम सुशांत की बॉडी को हैंडल कर रहे थे, उनसे ये पता लगा है कि सुशांत की जो लेग थी वो फ्रैक्चर थी और काफ़ी नीडल के मार्क्स भी मिले हैं। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद अब आगे और क्या होता है वो पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है तनिषा शर्मा की, तनिषा शर्मा के इस केस के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग अभी तक जान ही गए होंगे कि जो कि फर्स्ट इंसिडेंट में जो ये सामने दिखाई दिया है वो ये है कि ये एक सुसाइड है। जैसा कि उनकी माँ ने भी कहा कि तनिषा को स्ट्रेस दिया जा रहा था और तनिषा थोड़ी सी डिप्रेस थी। उनको स्ट्रेस उनके को एक्टर शिजान खान दे रहे थे जिनके साथ वो एक रिलेशनशिप में थी और वो अली बाबा नाम का एक टेलीविजन सीरियल कर रही थी। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल्स में वर्क किया है, फिल्मों में वर्क किया है। एज अ चाइल्ड एक्टर तनिषा के करियर की शुरुआत हुई जब वो सिर्फ 12 साल की थी। तनिषा जब बहुत छोटी थी तभी उनके पिता एक्सपायर हो गए थे और जाहिर सी बात है कि पिता की कमी को उन्होंने हमेशा महसूस किया। उनकी मदर ने ही उनको इतना पाल पोस कर बड़ा किया था और वो सिर्फ 20 साल की थी। 12 साल की बहुत ही छोटी सी उम्र में तनिषा ने अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ, विद्या बालन के साथ फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। उनके यंगर वर्जन के किरदार उन्होंने निभाए थे। तनिषा शर्मा का ये जो सुसाइड केस जो सामने आया है, इसके बारे में कुछ भी और कहने से पहले जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ भारत के उन तमाम लोगों को, उन तमाम जनरेशन्स को जो कि सुसाइड करने की सोच रहे हैं या फिर जो डिप्रेशन में हैं, जो फिर स्ट्रेस में हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए और ज़िंदगी बहुत बड़ी है। लिव लाइफ कम्प्लीटली, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप का सोचिए, अपने भाई बहन का सोचिए जो कि आपसे बहुत आस लगाए बैठे हैं। ये लाइफ बहुत ही सुंदर है, इसे किसी से ब्रेकअप होने के बाद इतना भारी कदम मत उठाइए, इतना सीवियर स्टेप मत लीजिए जिससे कि आपके बाद आपकी माँ को कष्ट हो, आपके पिता को कष्ट हो या फिर आपके जो सगे संबंधी हैं जो कि आपके वेल विशर्स हैं उनको दुख पहुँचे। आपकी लाइफ खुद के लिए जिए, अपने लिए जिए। लिव फॉर योर सेल्फ, लिव फॉर योर एम, हैव अ पर्पज़ इन योर लाइफ। अपनी लाइफ को एक गोल बनाइए, अपनी लाइफ का एक पर्पज़ रखिए और उस पर्पज़ पर आप कायम रहें और एक लक्ष्य के साथ अपनी लाइफ को जिए। ये तो पहला मैं एक मैसेज मैं पहुँचाना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों के ज़रिए, उन सभी लोगों को जो कि डिप्रेशन में हैं या फिर स्ट्रेस का शिकार हैं या फिर जो जिन्हें छोटी छोटी बात पर एंजाइटी होती है। देखिए, थेरेपिस्ट भी आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकते हैं, ना ही आपके माता पिता आपके साथ 24 घंटे रह सकते हैं। 24 घंटे आप खुद अपने साथ रहते हैं। ये एंजाइटी और जो स्ट्रेस होता है ये कभी भी ट्रिगर कर जाता है, किसी भी छोटे मोटे इंसिडेंट्स भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। ये ब्रेकअप आज की जनरेशन में, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जनरेशन रिलेशनशिप में भी उतनी जल्दी आती है जितनी जल्दी वो यू नो, यू ऑल नो दैट, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं हमारे आज की इस जनरेशन में। प्लीज़ आप ब्रेकअप को इतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि एक इंसान अगर आपके लाइफ में से गया है तो कुछ अच्छे के लिए गया है, वो आपको कुछ सिखा कर गया है और भगवान ने आपके लिए किसी और को लिखा है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ हो तभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप अकेले भी अपनी लाइफ जी सकते हैं। वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लता मंगेशकर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, सुषमा स्वराज जी, ये सब अकेले ही थे ना, अकेले ही आए और इतना नाम कर रहे हैं, बहुतों ने अपना नाम किया है। तो इस तरीके के पर्सन भी आप बन सकते हैं।
सो इमोशनल डिपेंडेंसी ना रखिए किसी के ऊपर, अगर रखना चाहते हैं तो अपने माता पिता के ऊपर रखिए। वैसे तो खुद पर विश्वास होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद पर विश्वास रखिए और ज़िंदगी को एक अपने लक्ष्य के साथ जिए। अब बात करते हैं तनीषा शर्मा की। जहाँ तक हमने पिछले सारे केसेस में भी देखा है, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, पुलिस और प्रशासन और कोर्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और ना ही ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाती है। सुसाइड केस जिया खान का भी था, वैशाली ठक्कर का भी था, प्रत्युषा बनर्जी का भी था। प्रत्युषा के जो आरोपी थे वो तो बहुत ही चैन से घूम रहे हैं, उन्होंने तो दूसरी शादी भी कर ली है। प्रत्युषा का मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत, जो मुझे लगता है वो सुसाइड था ही नहीं, वो तो मर्डर था। सुशांत जी का केस एक मर्डर था, ये मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ, मैंने फेसबुक के अपने वीडियो में भी बताया था, लेकिन मुझे पता है कि सीबीआई ये प्रूफ कर पाएगी या नहीं, ये तो हम देख ही रहे हैं कि प्रूफ नहीं कर पाई है। हालांकि अभी कुछ और सबूत मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ सुशांत का मर्डर हुआ था। इस बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगी, लेकिन अभी तनीषा के केस पर ही हम सीमित रहते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सुसाइड केस में पुलिस इतनी हेल्प नहीं कर पाती है, तनीषा का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। अब ऐसे केसेस में अबेटमेंट टू सुसाइड में क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा माता जो उनकी है उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है, उनका कोई दूसरा बच्चा भी नहीं है। सो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स यंगस्टर्स, आप अगर जॉब में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्ट्रेस है, प्लीज़ ये वाला कदम कभी मत उठाएं, क्योंकि आप अपने माता पिता को ऐसा करके ज़िंदगी भर का दुख देते हैं। और तनीषा की मम्मी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दूसरों के लिए अपना जीवन जिएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके जैसे हैं और जो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अंदरूनी खुशी मिलती है। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसका कोई अपना होता है उसे पता होता है कि दुख या दर्द क्या होता है, और वापस से लाइफ को उसी अच्छे से ट्रैक पर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो तनीषा के बारे में शिजान का कहना है कि जो शिजान है उन्होंने पहले भी तनीषा को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखा था और उन्होंने बचाया था। तो शिजान जब ऐसा था तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए था, आपको इस बारे में सोचना चाहिए था, आपको तनीषा को और डिप्रेशन नहीं देना था। और आप तो दो दो रिलेशनशिप्स रख कर बैठे थे, मल्टीपल रिलेशन्स थे, जैसा कि तनीषा की माँ ने कहा। सो आपको ये सब नहीं करना चाहिए था जब आपको पता था कि तनीषा आपके साथ इतनी इमोशनली अटैच्ड है। दूसरी बात, शिजान का ये भी कहना है कि उन्होंने श्रद्धा वालकर का केस जब आया तो उसके बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम का एक बैरियर देखा और तब उन्हें लगा कि उन्हें तनीषा से ब्रेकअप करना चाहिए। तो शिजान को मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि शिजान, क्या आपको नहीं पता था कि तनीषा शर्मा एक हिंदू है? क्या आपको नहीं पता था कि आप मुसलमान हैं? तो जब आपने उससे बड़े बड़े वादे किए तब आपने क्यों नहीं सोचा इस बारे में? और अचानक से श्रद्धा वालकर के केस के बाद ही आपको क्यों ध्यान आया कि आप मुस्लिम हैं और तनीषा हिंदू, और इसके लिए आप उनसे ब्रेकअप करना चाह रहे थे? सो दैट इज़ रॉन्ग। मतलब पहले तो आप फ़ायदा उठा लो और उसके बाद आप एक छोटा सा रीज़न देकर ब्रेकअप कर लो। और यहाँ पर यंगर जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अभी आप सब जो 19, 20, 17, 18, 16, 15 साल की उम्र के हैं, प्लीज़ इतनी जल्दी ये रिलेशनशिप्स के चक्कर में ना पड़िए, अपने करियर की ओर ध्यान दीजिए। क्योंकि ऐसी जब छोटी उम्र में आप रिलेशनशिप्स का सोचते हैं सो आप इन्फैचुएशन होता है, फिर प्यार होता है, और उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तब आप में से बहुत लोग जो वीक होते हैं मेंटली या फिर इमोशनली जो स्ट्रांग नहीं होते हैं वो इस तरीके के ब्रेकअप्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो आप प्लीज़ हाथ जोड़कर, मेरा निवेदन है कि आप इतनी छोटी उम्र में सिर्फ अपने करियर पर फोकस रहें। जब आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा तब आपको आपका जीवन साथी ज़रूर मिल जाएगा। सो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप ऑफ वेरी इमोशनल लव काइंड ऑफ सीन, राइट? और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आई एम श्योर कि तनीषा की माँ ने भी तनीषा को रोका होगा, जब तनीषा ने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया होगा कि तनीषा का ब्रेकअप हो गया है अब वो क्या करे। उनकी माँ ने भी कहा होगा कि लेट्स मूव ऑन बेटा, मूव ऑन, डोंट थिंक अबाउट इट।
सो जब आपके माँ बाप आपको ऐसा कुछ कहें कि आप मूव ऑन हो जाइए, तो आप प्लीज़ उनकी बात को सुनिए। आपके माँ बाप आपके लिए कभी गलत सलाह नहीं देते हैं, और ऐसे किसी भी सीवियर स्टेप को ना उठाएं जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को खो दें और आगे आपके लिए फ्यूचर में मॉडिफिकेशन के लिए कुछ ना रहे, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी तो खोते ही हैं, साथ ही में अपने माँ बाप को भी एक ज़िंदगी भर का दर्द देकर जाते हैं। तो निशा शर्मा का केस हो या फिर ऐसा ही कोई और सुसाइडल केस, इन सारे केसेस से एक ही हमें सबक लेना चाहिए कि लाइफ कम्स वंस, लिव इट फुली एंड एन्जॉय द जर्नी। डेस्टिनेशन में आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है उसकी ना सोचें, एन्जॉय द प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू शेयर इट, डू लाइक इट एंड डू गिव मी योर सजेशंस, योर आउटपुट, योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching. This is Khushbu Kapoor signing off. Have a great day.